नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड का खतरा पहले से कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैयदी हाशिमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। मुस्लिम समाज, सांसद और विधायक समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सर्वधर्म समाज के लोगों द्वारा एयरपोर्ट में किया गया उनका भव्य स्वागत। सैयदी हाशिमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में दिया भाईचारे का संदेश। होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पाबंदी हटने से जमकर लोगों ने खेली होली, एक दूसरे पर लगाया रंग और गुलाल। और ट्यूबवेल का मोटर बोरवेल में ही गिर जाने से दंतेश्वरी वार्डवासियों को जूझना पड़ रहा है पेयजल समस्या से। और अब खबरें विस्तार से। इस्लाम धर्म के आखिरी नबी की 18वीं पीढ़ी की संतान माने जाने वाले सैयदी हाशिमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत में मुस्लिम समाज और सर्वधर्म समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत कर रैली निकाली गई। साथ ही बस्तर सांसद और विधायक समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका एयरपोर्ट में किया स्वागत। सैयदी हाशिमुद्दीन के आने के कार्यक्रम की मंजूरी मिलने से 2 महीने पहले एक टीम यहां पहुंची थी, जिन्होंने यहां पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसके बाद उनके प्रवास को लेकर अपनी सहमति दी। शनिवार को सैयदी हाशिमुद्दीन हैदराबाद से जगदलपुर नियमित फ्लाइट से पहुंचे। मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर आपका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे मुस्लिम कब्रिस्तान स्थित ऊंट वाले बाबा की दरगाह के लिए निकले। रास्ते में जगह जगह चौक चौराहों पर सैयदी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर में कई स्वागत द्वार लगाए गए थे। सभी स्वागत द्वार पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। गुरु नानक चौक में सर्वधर्म स्वागत मंच तैयार किया गया, जहां सभी धर्म के जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कब्रिस्तान स्थित ऊंट वाले बाबा के मजार पर पहुंचकर फातिहा पढ़ा। सैयदी हाशिमुद्दीन रात 10 बजे जगदलपुर शहर के जमाल मिल मैदान में होने वाले जलसे में शामिल होकर करीब 2 से 2.5 घंटे तक अपनी बात रखेंगे। मुस्लिम समाज के अनुसार वे सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग को उनकी बात सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। सैयदी हाशिमुद्दीन को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। यहां आने से पहले वे श्रीलंका में थे। भारत में जगदलपुर के बाद वे दुबई और मैनचेस्टर के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सैयदी हाशिमुद्दीन अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर अब्दुल हाशिम के घर पर ठहरे हुए हैं। शनिवार की शाम पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं गौसे आजम के खानदान से हूं, जिन्हें महान सूफी संत के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सूफीवाद को पूरी दुनिया में स्थापित किया। आज उनके मानने वालों के बीच आकर बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि सभी इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, अपने आस पड़ोस और माता पिता सगे संबंधियों का सम्मान करना चाहिए, आम लोगों के बीच भाईचारे का माहौल बना रहे इसके लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बस्तर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हम आध्यात्म के गुरु हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं, सभी अमन चैन से खुश रहें। उन्होंने कहा कि कयामत के दिन अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि दूसरों ने क्या किया, वो ये पूछेगा कि आपने क्या किया। इंसानियत और धर्म एक साथ चल सकते हैं, दोनों को अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का हमारे साथ 1000 साल से भी पुराना रिश्ता है। गुजरात के मर्चेंट्स इराक आते रहे हैं। हिजाब के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अपना पहनावा है और इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर हिजाब पर राजनीति गलत बात है। हर किसी को अपने धर्म के मुताबिक चलने की आजादी है। Actual person, what is your message for Indian people who are Muslims or not? I think I answered now for peace, for love, to sit together, yes. To everybody, help other one, to respect all the neighbors, the friend, and especially in the we say the characters of the Muslim and everybody. That is the Sufism. You know the Sufism. It is not for outside. It is for the inside. Why you are taking shower every day? Example, why you taking shower? To clean your body from the outside. But Allah, they don't want
from the outside. They want to clean inside before to clean your body outside. Sir, in your yeah, we have very strong relation with India, not now, not 100 years, not 500 years. It is our relation with India more than 1,000 years. Yes. Because in Baghdad, Iraq, it was first group have reached to Baghdad. It was from India, from place called Gujarat, in the 1,000 years before. So our relation is too strong. Indian people are also need your blessing. Sir, any special moment you want to share as you have you want to give any message? Yes, yani, the important thing why we are here to send the message about the Sufism. Sufism for the peace, for love. You cannot say you are wrong, he is right. There is bigger than me and you. He will decide for you are right and he is wrong. He is Allah. That he is in the judgment days. Following that, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what he teach us about all the religion. Example, someone Jewish, in the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every day he bring some rubbish things and he leave it in his door. He never fight with him. He never say to him any bad words. But one day when he opened the door, he never find himself, the Prophet, he went to his door and killed. So he was okay. He said, but why? He said, because I don't see the rubbish. I will think you are not well or sick, so I have come to check about you. They said, this is the Islam. He said, yes, Islam for peace and for love. And you my neighbor, so by this way I come about us. So when you say, for, as a Muslim, in our prayer, when the Lord, Allah, He's ordered us, in our prayer to say, Allahumma salli, in the Arabic, ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, the family of the Prophet. So this is the Imam, the Prophet, his... और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपसे बाकी खबरों के साथ. सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच. आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे. अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात. देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध. केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps. लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान. इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर. ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है. बस्तर की बात में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर. 2 वर्षों बाद होली त्योहार बिना पाबंदी के मनाया गया, जिसके चलते लोगों ने खुलकर एक दूसरे के चेहरे पर रंग और गुलाल लगाए. इसके पहले विभिन्न चौक चौराहों और मोहल्लों में होलिका दहन पूरे विधि विधान पूजा अनुष्ठान के साथ किया गया. इसी क्रम में स्थानीय मौली माता मंदिर के समक्ष प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जोड़ा होलिका दहन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इसी क्रम में
माहेश्वरी समाज के समक्ष गोबर के कंडे से होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली के गीतों पर झूमते नजर आए। इस वर्ष कोविड 19 की पाबंदी हटने से होली के त्योहार में काफी उत्साह नजर आया। छोटे बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध लोगों ने सभी ने जमकर रंग गुलाल खेले। इसे महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। कुल मिलाकर होली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस की टीम तैनात थी। शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाई गई। जगदलपुर नगर पालिक निगम के दंतेश्वरी वार्ड में रहने वाले वार्डवासियों को इन दिनों पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। नगर निगम की अनदेखी से यह स्थिति निर्मित हुई है। बताया जाता है कि इस वार्ड में ट्यूबवेल के माध्यम से जल की सप्लाई की जाती है, लेकिन ट्यूबवेल का मोटर मरम्मत के दौरान बोरवेल में ही गिर गया। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोई कोशिश नहीं की। विगत दो दिनों से वार्डवासी पेयजल को लेकर परेशान हैं। निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को भी पेयजल संबंधी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालात यह हैं कि यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार को पानी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वार्डवासियों का कहना यह है कि कुआं और हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है, फिर भी मजबूरी में इसी पानी का सेवन करना पड़ रहा है। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सैयदी हाशिमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। मुस्लिम समाज, सांसद और विधायक समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सर्वधर्म समाज के लोगों द्वारा एयरपोर्ट में किया गया उनका भव्य स्वागत। सैयदी हाशिमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में दिया भाईचारे का संदेश। होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पाबंदी हटने से जमकर लोगों ने खेली होली। एक दूसरे पर लगाया रंग और गुलाल। और ट्यूबवेल का मोटर बोरवेल में ही गिर जाने से दंतेश्वरी वार्डवासियों को जूझना पड़ रहा है पेयजल समस्या से। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।